गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है एडजेक्टिव्स, चैप्टर नंबर सिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। व्हाट इज एडजेक्टिव? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। जैसा कि हमने नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नाउन हम किसको बोलते हैं, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नेम को हम नाउन बोलते हैं। इसमें फीलिंग, एक्शन, इमोशन ये भी हम इंक्लूड करते हैं। तो अगर किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के नेम को, नेमिंग वर्ड्स की क्वालिटी बताने के लिए, उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्म करने के लिए, कुछ डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। द नाउन नेम्स और टेल द नंबर्स और क्वालिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव्स। तो हमको एडजेक्टिव वर्ड्स से क्या पता चलता है? क्वालिटी, क्वांटिटी, ये हमको पता चल जाता है एडजेक्टिव वर्ड से। तो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में ये ध्यान रखिए शॉर्टली कि एडजेक्टिव वर्ड्स वो होते हैं जो नेमिंग वर्ड की क्वालिटी और क्वांटिटी को शो करते हैं। अब देखते हैं हम चार्मिंग फेस, अ ब्रेव सोल्जर, एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। तो ये जो सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देख के हमको क्या पता चल रहा है कि अ चार्मिंग फेस, तो फेस की क्वालिटी दे रखी है यहाँ पे चार्मिंग। तो ये जो चार्मिंग वर्ड है वो एडजेक्टिव वर्ड होगा क्योंकि इससे हमको फेस की क्वालिटी पता चल रही है। जैसे नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम अ ब्रेव सोल्जर, तो सोल्जर वर्ड के साथ ये ब्रेव वर्ड यूज हुआ है, तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव वर्ड है क्योंकि ब्रेव को, ब्रेव वर्ड से हमें ये पता चलता है कि वो सोल्जर की क्वालिटी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब गर्ल के साथ इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ हुआ है तो ये इंटेलिजेंट वर्ड गर्ल की क्वालिटी शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, तो इस एपिसोड की जो क्वालिटी वाला वर्ड होगा, जो हमको क्वालिटी शो करता है वो है इंटरेस्टिंग। तो ये जो सारे वर्ड है चार्मिंग, ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टिंग, तो ये जो सारे वर्ड्स है वो हमारे एडजेक्टिव वर्ड है क्योंकि ये इसके आगे यूज हो रहे हैं, इन वर्ड्स नाउन प्रोनाउंस के हमको क्वालिटी शो करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनको कैसे यूज होता है सेंटेंस में, वो समझ में आया होगा। अब हम इसकी जो टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसको, कौन कौन से वर्ड किस तरह से यूज़ होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसा कि हमको इस क्वालिटी वर्ड को देख के हमको इजीली समझ में आ सकता है कि क्वालिटी मतलब गुण। अगर किसी भी नाउन, प्रोनाउन, उसकी क्वालिटी अगर जिस वर्ड के थ्रू हमको एक्सप्रेस होती है तो वो जो सारे वर्ड्स होते हैं वो हम इस कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दे रेफर टू द क्वालिटी और स्टेट टू द नाउन, प्रोनाउन फॉर एग्जाम्पल। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था अभी, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी शो करता है हमको, उसका गुण शो करता है हमें, तो वो जो सारे वर्ड्स होते हैं वो हम क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, तो जो ये ग्रेट वर्ड यूज हुआ है वो क्रिकेटर के साथ एडजेक्टिव है। जो हमारा क्रिकेटर है वो नाउन है और सचिन तेंदुलकर, उसकी क्वालिटी बताने के लिए ग्रेट वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये जो हमारा ग्रेट वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी। इसमें इसका, इसकी क्वालिटी शो हो रही है इसलिए ये वर्ड इस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, तो कोलकाता की क्वालिटी शो करने वाला वर्ड कौन सा होगा? बिग। तो बिग वर्ड जो होगा वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड होगा और वो एडजेक्टिव इस टाइप में होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस वाले टाइप के अंदर हमको ध्यान में रखना है कि वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करेंगे जो वर्ड, वो वर्ड्स सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट टाइप हमारा देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे हमने प्रीवियस कैटेगरी पढ़ी थी उसी तरह उसमें फर्स्ट वाली कैटेगरी में हमने क्वालिटी वाले वर्ड्स देखे थे, तो सेकंड जो कैटेगरी है वो हमारे क्वांटिटी, यानी कि उसकी हमें मात्रा पता चल जाती है उस सेंटेंस में, उन वर्ड्स को देखकर हमें उसकी मात्रा पता चलती है, क्वांटिटी पता चलती है। दे टेल द क्वालिटी ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी की क्वालिटी, क्वांटिटी या अमाउंट हमें शो हो जाता है।
अब जैसे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. ही वॉन्ट्स सम मनी. तो यहाँ पर जो सम वर्ड हमें दे रखा है वो सम वर्ड इसकी क्वांटिटी को शो करेगा. तो ये जो वर्ड है सम वो हमारा एडजेक्टिव क्वांटिटी में इंक्लूड होगा. नेक्स्ट देखते हैं हम. देयर इज अ लिटिल फूड इन अ हाउस. तो यहाँ पर जो ये लिटिल वर्ड हमें दे रखा है ये हमें फूड की क्वांटिटी शो करेगा. तो इसीलिए जो ये लिटिल वर्ड होगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ऐड होगा. नेक्स्ट हम हमारा टाइप देखते हैं. हमारा नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. जैसा कि हमें नेम से ही एक्सप्रेस हो रहा है कि जो नंबर वर्ड है क्वालिटी ऑफ नंबर्स है उसमें उसका वो कितने हैं हाउ मैनी वो वर्ड हमें पता चलेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो संख्या में कितने हैं. दे शो हाउ मैनी पर्सन्स एंड थिंग्स आर रेफर कि वो संख्या में कोई पर्सन या थिंग वो कितनी है तो ये हमें पता चल जाएगा. इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. ही हैड 5 rupees इन हिज पॉकेट. यहाँ पे देखिए ये 5 वर्ड दिया हुआ है तो नंबर में ये 5 है तो इस सेंटेंस को इजीली पढ़ के हमें पता लग जाएगा तो रुपीस कितने हैं 5. तो इजीली इसके नंबर पता चल रहा है हमें तो ये वर्ड हमारा इस क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव में ऐड होगा नंबर्स. अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा. मैनी पीपल बिलीव इन फैट. यहाँ पर जो मैनी वर्ड आ रहा है उससे हमें पता लग जाएगा कि पीपल कितने हैं तो ये मैनी वर्ड इस एडजेक्टिव का पार्ट. अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टाइप. ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है हम रीड करते हैं. दे पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग आर मीन कि कौन से जो कौन सा वर्ड का हमें आंसर मिलता है उससे हमें पता चल जाता है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि वो कौन है. देखते हैं अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम. आई लाइक दीज मैंगोज. तो मैंगोज से पहले जो ये वर्ड आ रहा है दीज ये दीज वर्ड हमको एडजेक्टिव शो कराता है कि कौन सा दीज मैंगोज. नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज द बॉक्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पर जो दिस वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है पर आपको ये ध्यान में रखना है जो दिस वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है जो दीज वर्ड है वो हमारा प्लूरल वर्ड है. इसी तरह से आई लाइक सच शूज़. तो ये जो सच वर्ड इसके अंदर आया है सेंटेंस के अंदर वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है. इसी तरह से हम हमारा नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. शी लिव्स ऑन योंडर हील. अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में वो होते हैं जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और जो वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं WH वर्ड्स वो इंटरोगेटिव में यूज़ होते हैं. जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही. तो आपको सिंपली देख के ही पता चल जाएगा कि व्हाट जो वर्ड है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है इसीलिए वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आएगा. उसी के बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है विच हाउस इज योर्स. तो जो विच वर्ड है वो हमारा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है इसीलिए वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर यूज़ होता है. अब हमारा लास्ट टाइप हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. दे शो दैट द पर्सन और थिंग्स आर टेकन आउट एट अ टाइम कि एक टाइम में बहुत सारा ग्रुप जो एक साथ इंडिकेट करे तो वो सारे वो जो वर्ड आएगा वो इस एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा. जैसे Every word of it is true. यहाँ पर ये every word जो आ रहा है वो हमारा distributive adjective है. इसी तरह से neither boy is likely to pass. जो neither word आ रहा है वो हमारा its adjective का part है इस sentence में. So that dear students, ये सारे types आपने अच्छे से देख लिए. एक बार अच्छे से lesson को read करिए सारे types को अच्छे से read कीजिए और exercise को solve करने की कोशिश कीजिए. Thank you. हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग. आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे. फर्स्ट तो हो गया आपके. सेकंड है हमारे प्लेइंग विथ नंबर्स. इस चैप्टर में आपके सिंप्लीफिकेशन है प्राइम फैक्टर
प्राइम नंबर, इवन नंबर, बहुत सारा इसमें मैटर हैं आपके, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है आपके, जैसे हम कोई भी, जैसे हम फर्स्ट कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, जैसे टू नंबर होते हैं उनका हम एडिशन करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, उनका डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं। बट जब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें चारों ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन का मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, क्लियर। तो इसमें जैसे अब एक ही क्वेश्चन में अगर आपके चारों आ जाए तो उसको आप कैसे करोगे? अब आप कंफ्यूज हो गए ना कि हम पहले एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, डिवाइड करें। तो ये आपको क्या करना है, एक बोर्ड मास रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में क्या होता है, जैसे बोर्ड मास आपने पढ़ा भी होगा, बोर्ड बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ। तो इस टाइप से मैं आपको बता रही हूँ कि बोर्ड मास के थ्रू हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर उसमें ब्रैकेट आ जाता है, उसमें डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, इस टाइप से सब आ जाते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। लुक एट, सबसे फर्स्ट बोर्ड मास, मैं आपको बोर्ड मास के थ्रू बता रही हूँ, ये आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। बोर्ड मास बी, बी मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी थ्री टाइप के होते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पर होता है स्मॉल, क्लियर, उसके बाद होता है कर्ली, दैट इज कॉल्ड कर्ली, एंड ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर आप इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, इज नॉन एज बिग ब्रैकेट, क्लियर। स्मॉल ब्रैकेट कर्ली एंड बिग ब्रैकेट इज ऑल्सो नॉन एज स्क्वायर ब्रैकेट, क्लियर। ओ, ओ मीन्स ऑफ, ऑफ यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या करना, ऑफ के प्लेस पर यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना। अगर क्वेश्चन में आपको ओ ऑफ दे रखा हो तो आपको वहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका देन डी, डी डी मीन्स होता है डिवीज़न, क्या होता है डी मीन्स डिवीज़न, यहाँ पर डिवीज़न का साइन तो आपको पता ही है, डिवाइड। एम, एम मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। देन ए, ए मीन्स होता है एडिशन, यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर आपके प्लस का साइन, और लास्ट है आपके एस, एस का मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। क्लियर, इसका मीन्स ये हो रहा है कि बोर्ड मास हम क्यों यूज़ करेंगे, जैसे क्वेश्चन में बाई चांस आपके ब्रैकेट भी आ गया, डिवाइड आ गया, प्लस आ गया, ऑफ आ गया, तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है कि पहले हम ब्रैकेट करें या फिर प्लस करें या माइनस करें। तो इस टाइप से इस रूल के अकॉर्डिंग हमें उसको सॉल्व करना है। अब इस ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी आपको क्या करना है, जैसे तीनों दे रखे हों बाई चांस किसी क्वेश्चन में, तीनों भी दे रखे हैं, टू भी दे रखे हों, सिंगल भी दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्क्वायर हो, फर्स्ट अगर स्मॉल हो तो आपको स्मॉल सॉल्व करना है, देन कर्ली, देन बिग, देन ऑफ, ऑफ को सॉल्व करना है, देन डिवीज़न। अगर उस ब्रैकेट में, अभी ये भी देख लेना कि अगर ब्रैकेट में, अगर इनमें से डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन चारों में से अगर जो हो तो उसमें पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस, देन सब्ट्रैक्ट, क्लियर। तो इस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। तो आपके 2.1, लेट स्टार्ट 2.1। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखना उसको कैसे सॉल्व करना है, ये आप जो भी मैंने बोर्ड मास आपको रूल बताया है ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। यस, क्वेश्चन नंबर वन, यस, लुक एट। अब इसमें आप देखना 29 माइनस 7 प्लस 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 12 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और कर्ली एंड स्क्वायर क्लोज, क्लियर। अब इसमें देखो ब्रैकेट, सबसे फर्स्ट आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है। तो सबसे फर्स्ट हमें स्क्वायर, स्मॉल भी है, स्क्वायर एंड देन कर्ली, तीनों दे रखे हैं, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, क्लियर। तो सबसे फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट की हमें जो भी वैल्यू है वो हमको सॉल्व करनी है। तो ये क्या रह जाएगा, एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो एज इट इज़ रहेगा 29 माइनस
ये एज इट इज लिखना है जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे. 7 प्लस ये 16 माइनस, ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा. अब 12 माइनस 2 करना है, स्मॉल कर रहे हैं ना फर्स्ट में, तो 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा 10. अब जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया तो ये ब्रैकेट क्या हो गया रिमूव. क्लियर? अब कौन सा यूज़ होगा कर्ली ब्रेसेस एंड बिग ब्रैकेट क्लोज. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, क्या सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कर्ली. अब 29 माइनस 7 प्लस, अब कर्ली में क्या हमारा क्या दे रखा 16 माइनस 10, 60 माइनस 10 दे रखा है, तो 60 माइनस 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6. देन अब ये दोनों क्या हो जाएंगे रिमूव और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 29. क्लियर? 29 माइनस, अब यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो अब ये सॉल्व करना है तो 29 माइनस और 7 प्लस 6 13, ये हो गया. अब ये दोनों क्या हो गए रिमूव और फिर लास्ट में आपको क्या करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो ये हो जाएंगे आपके 16. क्या हो गया आंसर 16, ये आपके फाइनल आंसर. मीन्स क्या है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, मतलब आपको इस मिसिंग नहीं करनी है. जैसे आपने पहले ये सॉल्व कर दिया ये रहने दिया तो वो आपके आंसर यहाँ पर लास्ट में नहीं आएंगे, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पहले मतलब बोर्ड मार्क्स के थ्रू आपको इसको सॉल्व करना है. क्लियर? अब जैसे आपके हैं और भी इसमें देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यस क्वेश्चन नंबर 3 देखना. 12 प्लस कर्ली ब्रेसेस में है आपके 12 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रेसेस. अब इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे रखा है, दे रखा है आपके नहीं दे रखा है. अब आपको डायरेक्ट क्या करना है स्मॉल देन कर्ली और देन डायरेक्ट. क्लियर? अब इसको सॉल्व करो आप स्टेप बाय स्टेप. 12 प्लस ये, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले इसको सॉल्व करना है 12 माइनस अब प्लस 8 माइनस 3 5. क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट ये सॉल्व हो गया ना, 8 माइनस 3 तो 5 हो गया. अब इसको सॉल्व कर देंगे. अब यहाँ पर देखना 12 प्लस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले हमें प्लस करना है, एडिशन है ना, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन. क्लियर? अब इसमें ये देखना कि इसमें थोड़ा डिफरेंट है. जैसे हम 12 माइनस यहाँ पर हम करते हैं कि 12 माइनस 5 तो कितने हो जाएंगे, पहले हमें एडिशन करनी है, एडिशन करनी है तो यहाँ पर एडिशन कैसे करोगे, 5 प्लस 5 करोगे 10 हो जाएंगे. बट यहाँ पर ये देखना कि इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पर आगे ये साइन दे रखा है माइनस का. वैसे ये चीज़ आपके न्यू है, 6 में ये प्लस माइनस बहुत तो अभी आपके नहीं आया है, पर मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे कोई भी दो डिजिट होती है उसके आगे, जैसे 2 कोई भी नंबर होते हैं उसके आगे जैसे माइनस का साइन है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस का, तो इन दोनों की जो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. इसी क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइनस, अब ये 5 माइनस 5 इसका मीन्स क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा. अब ये अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. अब यहाँ पर 12 माइनस 0 क्या हो जाएगा 12, अब 12 और 12 क्या हो जाएगा 24. वैसे हमारे क्वेश्चन में पहले एडिशन करते हैं, जैसे पता है ना एडिशन करते हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ भी दे रखी है. हम जैसे 12 माइनस 7 करेंगे तो इससे ये आंसर नहीं आएगा, 12 माइनस 7 कर दिया तो उससे आंसर आपके 12 माइनस 5 ठीक है तो आंसर नहीं आएगा. अब यहाँ पर क्या दे रखा है प्लस 5 तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 12 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 24. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको, इसमें सेकंड क्वेश्चन आप करना. अब सेकंड क्वेश्चन में देखना इसमें आपको डिवाइड दे रखा है तो पहले आप क्या कर लोगे स्मॉल ब्रैकेट में डिवाइड करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे उसको प्लस करोगे जो भी आंसर आएगा ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर आपके 4th क्वेश्चन देखना.
थ्री प्लस थ्री, ब्रैकेट में थ्री प्लस थ्री, कर्ली ब्रेसेस थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री। अब इसमें बहुत सारे थ्री है तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, थ्री प्लस थ्री, यहाँ पर कोई साइन नहीं है इनके बीच में, ठीक है, थ्री प्लस थ्री, फिर यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, थ्री प्लस थ्री, और फिर यहाँ पर भी थ्री प्लस थ्री, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस बिग ब्रैकेट, ठीक है, और लास्ट में ये। अब इसमें ये देखना कि जैसे हम ब्रैकेट तो सॉल्व करेंगे, पर ब्रैकेट के बाद जैसे यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में क्या था कि ब्रैकेट के बाद डिजिट मतलब साइन होते थे, हम क्या करते, प्लस माइनस जो भी था वो कर लेते, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, अब इनके बीच में कोई डिजिट नहीं, साइन नहीं है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर मल्टीप्लाई यूज़ करना है, क्लियर। अब देखना मल्टीप्लाई कैसे यूज़ करेंगे हम, थ्री प्लस, हम सॉल्व तो वैसे ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप, थ्री प्लस थ्री ब्रैकेट, थ्री प्लस थ्री कर्ली, थ्री प्लस थ्री। अब यहाँ पर देखो थ्री प्लस थ्री सिक्स, अब यहाँ पर इन दोनों, जैसे मैं इसको सिक्स करती हूँ तो इन दोनों के बीच में कौन साइन चाहिए हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्लियर। और ये ब्रैकेट रिमूव हो गया कर्ली ब्रेसेस, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट थ्री प्लस थ्री, अब यहाँ पर भी ये तो अभी एज इट इज ही होगा। अब यहाँ पर देखना क्या करना है हमें, फर्स्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या करना है, एडिशन करनी है, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, थ्री प्लस, ये तो एज इट इज रहेगा, थ्री इंटू सिक्स क्या कर दिया, एटीन, क्लियर। जब तक सोल्व नहीं हो तब तक आपको रिमूव नहीं करना, एज इट इज इसको नीचे करना है आपको। अब यहाँ पर थ्री प्लस थ्री, अब यहाँ पर देखना थ्री प्लस थ्री, क्लियर। अब जैसे मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन, अब इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, और ये दोनों रिमूव, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखना 3 प्लस 3, क्लियर। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, अगेन फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, ये हो जाएगा 21 इंटू 3 60 थ्री हो जाएगा। अब इसको क्लोज कर दो, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी आपके, ये स्टेप में यहाँ लिख रही हूँ। अब देखना थ्री प्लस थ्री, अब इनके बीच में भी यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा इनटू, और इन दोनों इन दोनों का आपको क्या करना है प्लस, तो ये हो जाएगा 66, क्लियर। अब क्या करेंगे, फिर से ये रिमूव, अब इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस, और ये हो जाएंगे 18 और 198, और अब फाइनली आपको लास्ट में इन दोनों का क्या करना है प्लस करना है, तो ये हो जाएंगे 201। इस टाइप से आपको इसमें बोर्ड मार्क्स के थ्रू आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आज का आपका होमवर्क है, एक तो आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करना है, क्वेश्चन नंबर आपको एक फिफ्थ करना है, ठीक है, एक आपको सेकेंड करना है, क्लियर। तो आपको दो क्वेश्चन आज के होमवर्क है, और नेक्स्ट जो भी डिफरेंट होंगे बाहर वाले ऐसे कुछ होंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, लेसन टू का जो चल रहा है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसका पार्ट फाइव कंटिन्यू करूंगी। मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन आपको खाना, प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में नीडेड है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, या कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको खाने से आप प्रोटीन की अमाउंट को बॉडी में फुलफिल कर सकते हो, यानी प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में इन शॉर्ट हमने देखा था। यहाँ पर अब लेते हैं हम फैट आ जाता है। लास्ट मैंने फैट भी पढ़ा दिया था आपको कि फैट कौन कौन सी चीज़ों में होता है, तो फैट को भी हम कार्बोहाइड्रेट की तरह ही मान सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों को खाने से हमको एनर्जी ऑप्टेन हो जाती है, मिल जाती है। अब मैंने लास्ट आपको फैट पढ़ा के रखा था, उसके बाद ये एक्टिविटी शायद रह गई थी, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं कि फैट को अगर आपको टेस्ट करना है कि कौन सी चीज़ में फैट है कौन सी चीज़ में फैट नहीं है, आपको पता लगाना है। अब हर चीज़ के ऊपर लिखा तो होता नहीं है कि मेरे अंदर फैट है लो मुझे खा लो, तो अब उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। आप इजीली घर पे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि किस चीज़ में फैट है किस चीज़ में नहीं। इन शॉर्ट मैंने इस एक्टिविटी को आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि किसी भी चीज़ को या किसी भी फूड सैंपल को आप पेपर में रैप करो, न्यूज़पेपर में या नॉर्मल किसी वाइट पेपर में आप रैप करो और उस फूड को रख दो थोड़ी टाइम के लिए, तो रखने के बाद आपको लगेगा कि उस पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ गया है, तो दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, फैट है। और देख लेते हैं,
टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड मटेरियल टेक अ फूड सैंपल रैप इट इन पेपर एंड प्रेस इट टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर ध्यान रखना है कि हमने क्या किया एक पेपर लिया जिस चीज़ में हमें लगता है कि इसमें फैट है या नहीं उसको अंदर उसके अंदर रखो पेपर के अंदर उस पेपर को रखने के बाद उसके ऊपर प्रेस करो दबाओ तो दबाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ दबाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि वो पेपर फटना नहीं चाहिए टीयर नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट इफ यू सी अ ऑयली पैच ऑन द पेपर इट शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट आपको पता चल जाएगा कि उसमें फैट है या नहीं है मतलब ये कि आपको दिखाई देगा कि सनलाइट में रखने पर पेपर रखने पर आपको दिखाई देगा कि इसमें ऑयली पैचेस बन गए यानी ऑयल के धब्बे बन गए तो आपको ये प्रूव हो जाएगा कि इसमें क्या है फैट है ठीक है मैं नेक्स्ट इसका लेती हूँ ये जो क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं आप इसको ढूंढने की कोशिश करना और इनको ढूंढ के आप नोट्स में जितने के आंसर आपको मिलते हैं आप इनको प्लीज़ लिख देना मिल जाएंगे सारे आंसर बहुत ईजी है ये चीज़ पढ़ते हैं आप विटामिन कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया हमने प्रोटीन पढ़ लिया हमने फैट पढ़ लिया अब हम क्या देखते हैं विटामिन विटामिन क्या चीज़ होती है इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स अवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर अनादर काइंड ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड विटामिन यानी कार्बो और प्रोटीन के अलावा हमारी बॉडी को एक और चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होता है विटामिन जितना ज़्यादा ये ज़रूरी उतने ज़्यादा विटामिन ज़रूरी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग एंड गुड हेल्थ ये अगर विटामिन बॉडी में होगा तो प्रॉपर बॉडी जो हमारी होगी वो प्रॉपर फंक्शन करेगी सारे उसके काम अच्छे से होंगे और हमारी हेल्थ गुड हेल्थ कहलाएगी हाउएवर दिस आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन मिनट क्वांटिटीज़ माइन्यूट क्वांटिटीज़ मतलब ये माइन्यूट या मतलब बहुत कम जबकि इन चीज़ों की ज़रूरत बॉडी में कम होती है ज़्यादा मतलब ज़्यादा का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट से इनकी ज़रूरत कम होती है इसलिए इनको पीछे रखा है कम होती है पर फिर भी विटामिन बॉडी को ज़रूरी होता है अगर कोई भी विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो बॉडी में विटामिन की कमी से डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ इन एडिशन टू कीपिंग अवर आईज स्किन बोन्स एटसेट्रा हेल्दी विटामिन ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट मैनी डिजीजेज मतलब ये कि विटामिन अगर बॉडी में होगा तो बहुत सारी डिजीज से हमें लड़ने की क्षमता मिल जाएगी एबसेंस और डेफिशियंसी ऑफ विटामिन इन अवर रेगुलर डाइट मे रिजल्ट इन डिजीज कॉल्ड डेफिशियंसी डिजीज अगर इन विटामिन की कमी से हमें कोई बीमारी होती है तो हम उसको बोलते हैं डेफिशियंसी डिजीजेस कमी से होने वाली बीमारियाँ डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज विटामिन ए सी डी ई और एटसेट्रा सब विटामिन के टाइप है इन ये सब विटामिन है जो हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं इन एडिशन देयर इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन बी वन बी टू बी सिक्स एंड बी ट्वेल्व नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स पूरा एक कैटेगरी है जिसके अंदर इतने टाइप के विटामिन आते हैं आप सबने ये सुना होगा बी वन बी टू बी सिक्स और बी ट्वेल्व डिफरेंट विटामिन हैव डिफरेंट वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी दिस इज शोन इन द टेबल गिवन बिलो ये यहाँ पर टेबल दे रखी है कुछ कि किस विटामिन को आपके क्या फंक्शन है बॉडी में अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए है तो वो आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा साथ ही साथ आपके आईज को भी हेल्दी रखेगा तो विटामिन ए खाओगे तभी आपकी स्किन और आईज हेल्दी रहेगी विटामिन बी या ग्रुप ऑफ विटामिन जो कहलाता है ये पूरा बी खाओगे या बी आपकी बॉडी में है पूरा तो आपकी बॉडी में हेल्थ मिलेगी प्रॉपर फंक्शनिंग को और नर्व्स एंड मसल्स को नर्व्स और मसल्स को भी प्रॉपर फंक्शन होगा विटामिन सी जो होगा उसकी वजह से कीप्स ब्लड वेसल्स टीथ एंड गम्स हेल्दी हमारे जो टीथ है उसके साथ एज वेल एज हमारे एक टीथ जिसके अंदर एडजस्ट है गम्स मसूड़े वो भी अच्छे से क्या होंगे हेल्दी होंगे हील कट्स एंड इंजरीज जब भी हमें कोई कट इंजरीज होती है तो वो जल्दी रिपेयर हो जाएगी या जल्दी हील हो जाएगा अगर विटामिन सी बॉडी में है तो विटामिन डी मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग हमारी बोन्स और टीथ जिसमें कैल्शियम होता है वो सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर विटामिन डी सफिशियंट है डिफरेंट फूड आइटम एंड इन पर्टिकुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड अस विथ रिक्वायर्ड विटामिन द फॉलोइंग टेबल गिव्स एज द इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको पता है ये इससे ये बेनिफिट है ठीक है लेकिन इसके सोर्सेज क्या है अगर आपकी बॉडी में इनमें से कुछ भी कम है तो आपको खाना क्या होगा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना कि ये चीज़ कमी है तो ये वाला खाओ आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं आप गूगल पे सर्च कर सकते हो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि विटामिन ए आपको चाहिए तो आपको क्या खाना पड़ेगा पपाया मिल्क मैंगो एंड कैरेट सब जानते हो आप इन चीज़ों को बी अगर कम है या बी की ज़रूरत है बॉडी में हो ज़रूरत नहीं हो हमें चीज़ें क्या खानी चाहिए ग्रीन वेजिटेबल एग्स मिल्क होल सीरियल्स होल सीरियल यानी सारे अनाज उनमें क्या मिल जाता है आपको विटामिन बी विटामिन सी चाहिए तो ऑरेंज गुआवा टोमेटो आंवला एंड लेमन सारी खट्टी चीज़ें जिसमें क्या होता है सी
और डी अगर चाहिए आपको तो मिल्क बटर एग्स एंड फिश, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप खाने से अवॉइड करो, जिसको आप ये कहो कि मम्मा मुझे ये चीज़ नहीं भाती, नहीं भाती, नहीं टेस्ट आता, फिर भी आपको हर चीज़ खानी है, क्योंकि हर चीज़ में किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में फैट है, तो किसी में विटामिन है, और कुछ नहीं है तो हर चीज़ में मिनरल तो है ही है, और मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत नीडेड होते हैं, तो हमें हर चीज़ को खाना चाहिए, क्योंकि हमारी चीज़ में हर चीज़ की, हमारी बॉडी में हर चीज़ की, हर मिनरल्स, हर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे ये चीज़ें, ये जिनके नाम आए हैं, ये सारे डायग्राम दे रखे हैं, आप पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फूड आइटम्स कंटेनिंग विटामिन, ये सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको विटामिन मिलेंगे, तो आपको इन चीज़ों को खाना चाहिए। डू यू टेक सफिशियंट फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड अदर फूड्स टू गेट रिक्वायर्ड विटामिन्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ? डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। ये आपके लिए है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, आपको पता चलेगा। लास्ट में लेते हैं हम मिनरल्स, मिनरल्स क्या है। Besides vitamin and other nutrients mentioned in the preceding section, our body also requires some elements like iron, calcium, potassium, sodium, magnesium, chlorine, iodine, etc. ये सब minerals हैं जिनकी body को ज़रूरत होती है for proper growth and functioning. These are called minerals and are contained in different food in the form of their salt. Salt form में ये हमारे food में होते हैं ये सारे minerals. आप vitamin की table बनाना, टेबल बनाने के बाद वो दोनों टेबल आपको बनानी पड़ेगी। नोट्स में आपको क्या बनाना है, विटामिन हेडिंग डाल के आप विटामिन की एक टेबल बनाना, जिसमें विटामिन ए आपको, विटामिन ए अगर बॉडी में रहेगा तो आपको क्या होगा, विटामिन बी से क्या फंक्शन है, मतलब वो सारी फंक्शन वाली टेबल। देन उसके बाद सेकेंड टेबल भी आपको नोट्स में ड्रॉ करनी है, वही आपका होमवर्क है। सेकेंड टेबल में आप क्या बनाओगे कि कौन से सोर्स को खाने से, यानी कौन सा सोर्सेज है, कौन से विटामिन को अगर फुलफिल करना है बॉडी में तो आप कौन सी चीज़ को इंटेक करोगे। वो दोनों टेबल बनाने के बाद आप मिनरल्स लिखोगे, हेडिंग मिनरल्स डालने के बाद आप क्या लिखोगे कि मिनरल्स में अंदर पोटेशियम, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और आयोडीन, इन सब के नेम लिख देना कि ये चीज़ें होती है जिन, जो हमारी बॉडी में क्या होती है, ज़रूरी होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। दिस आर ऑल्सो नीडेड बाई बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़, इनकी भी ज़रूरत विटामिन की तरह बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में होती है, बट आर एक्सट्रीमली असेंशियल, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि इनकी ज़रूरत कम है तो इनको अवॉइड करो, ये भी खाने पड़ते हैं। मिनरल्स जो होते हैं, जैसे यहाँ दे रखे नाम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। फॉस्फोरस आपका क्या काम करता है, अगर आपकी बॉडी में फॉस्फोरस है तो आपके बोन्स और टीथ क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम फूल है तो आपकी क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी क्लोटिंग, क्लोटिंग का मीनिंग होता है जब भी आपको कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, तो आपका खून बहने लगता है, तो उस ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए जो चीज़ काम में आती है वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम होगा तो बॉडी में क्या होंगे, ब्लड के क्लोट बनेंगे, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो या ब्लड का लॉस नहीं होगा, तो ये भी चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, वही चीज़ है, फॉर्म्स ऑफ ब्लड, आयरन होगा तभी जाके बॉडी में क्या बनेगा, नया ब्लड बनता रहेगा, आयरन नहीं होगा तो नया ब्लड नहीं बनेगा, ठीक है। आयोडीन, जिससे आपको गोइटर नहीं होगा, गोइटर समझते हो आप, जिसमें गले में ये सूजन आ जाती है ना, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा पूरा स्वेलो हो जाता है, क्या है ये बताती हूँ। इसमें गोइटर में क्या होता है, पूरे जहाँ पर आयोडीन की कमी होती है, जिस सॉल्ट में या जिस फूड में आयोडीन की कमी होती है, उन लोगों को गोइटर नाम की डिजीज़ होती है, जिसमें ये वाला पार्ट पूरा स्वेलो हो जाता है, कुछ भी चीज़ पी नहीं सकते, खा नहीं सकते। यहाँ पर दे रखा है कि कौन से मिनरल को आपको किस फूड आइटम में मिलेगा, मतलब कौन सा मिनरल लेना है तो आपको उसके लिए कौन से सोर्सेज लेने पड़ेंगे, खाना क्या पड़ेगा। कैल्शियम तो मिल्क एंड एग्स, इन दोनों से आपको कैल्शियम मिलेगा। पोटेशियम दाल एंड फिश, उससे मिलेगा। आयरन ग्रीन लीफी वेजिटेबल एप्पल, इनसे मिलेगा। सोडियम एंड क्लोरीन, आपको ये टेबल भी ड्रॉ या ये टेबल भी राइट करनी है एज इट इज़ अपने नोट्स में, इसमें कुछ भी अलग से नहीं ऐड करना है, जो है वही लिखना है। फॉस्फोरस बनाना मिल्क, और आयोडीन आपको चाहिए अगर तो फिश और आयोडाइज सॉल्ट, ये चीज़ें। हैव यू नोटिस दैट अ सिंगल फूड आइटम, फ्रूट और वेजिटेबल कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, इसको वन, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे कंटेनिंग मिनरल, आपको ये चीज़ें, चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको मिनरल्स की कमी आपकी बॉडी में फुल हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके नोट्स बनाते रहना, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन टू पढ़ रहे थे अर्लीस्ट सोसाइटीज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले जो शुरुआती जो मानव थे वो किस प्रकार रहते थे, कैसे उनका जीवन चलता था। इसमें अपन ने स्टोन एज पढ़ रहे थे। स्टोन एज में भी वापस थ्री डिवाइडेशन कर रखे थे, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। उसमें अपन ने फर्स्ट पढ़ा था पैलोलिथिक एज, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आई थी डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि आग का आविष्कार कब हुआ था, पैलोलिथिक एज में हुआ था। और लास्ट जो पॉइंट अपना फिनिश हुआ था वहीं पर हुआ था कि वो लोग आग का आविष्कार हो गया था तो उसका सबसे ज़्यादा उपयोग वो किस में करते थे, खाना बनाने के लिए, जिससे उनका खाना डाइजेस्ट भी हो जाए और अच्छा भी लगे उनको। अब जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर पैलोलिथिक एज को वापस क्या कर रखा, उन्होंने फिर से थ्री पीरियड्स में डिवाइडेड कर रखा है, अर्ली पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज और अपर पैलोलिथिक एज, यानी कि इसके भी वापस उन्होंने तीन पार्ट कर दिए। अब इसमें ये देखेंगे अपन जो स्टोन्स के टूल्स बनाए थे उन्होंने किस किस शेप से बनाए थे, वो भी क्या बने थे, स्टेप बाय स्टेप बने थे, यानी कि फर्स्ट स्टेप में उन्होंने कैसे टूल्स बनाए, उसके बाद उनके माइंड में और कौन सी स्किल आई, फिर उन्होंने कुछ नई टेक्निक यूज़ की, फिर उसके बाद उन्होंने और कुछ नई टेक्निक यूज़ की, बस उसी के बारे में, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है कि उन्होंने टूल्स के अलावा और क्या किया था, कौन कौन से शेप दिए थे, क्या क्या काम आते थे, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर रीड करेंगे। फर्स्ट दे रखा है अर्ली पैलोलिथिक एज। अर्ली पैलोलिथिक एज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पैलोलिथिक एज, यानी कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है। व्हेन द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, क्या दे रखा है, जब मौसम बहुत ठंडा होता था, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज, तो उस समय के एज को क्या कहा गया, पहले भी आ गया था पैलोलिथिक एज को क्या कहा गया, आइस एज। आइस एज को अगर आप हिंदी में कहोगे तो हिमयुग, क्या कहेंगे, हिमयुग। अब देखो इसमें कौन कौन से स्टोन्स चलाए थे, स्टोन टूल्स यूज्ड, इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड फ्लेकिंग बिग पेबल्स टू मेक स्टोन टूल्स। आप पिक्चर्स भी साथ साथ में देखना इस लेसन में तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के टूल्स चलते थे, फ्लेकिंग बिग पेबल्स, बिग पेबल्स बड़े बड़े पत्थर, पिक्चर में दिख रहा है आपको इतने बड़े पत्थर। हम तो यहाँ पर अभी डेली रूटीन में अगर किसी के मकान बन रहा हो कर रहा हो, अगर अब तो वैसे ऐसे पत्थर यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी आपने गाँव में देखा हो तो हम इनको क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं, इनको औजार नहीं कहते थे, लेकिन वो लोग इसको क्या समझते थे उस समय, ये इनके औजार थे। अब इतने इतने बड़े बड़े पत्थर को कैसे औजार के रूप में काम में लेते, फ्लेकिंग बिग पेबल्स टू मेक स्टोन टूल्स कॉल्ड कोर टूल्स, जिनको क्या नाम दिया गया, कोर टूल्स, इसका नाम ही यही है कोर टूल्स, सच इज द हैंड एक्सेस क्लेवर्स एंड चॉपर्स, जिसको हम क्या कहेंगे, हैंड एक्स वो जो हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है वो, क्लेवर्स एंड चॉपर्स, चॉपर्स का मतलब वो होता है काटने वाला, जिससे अपन काटते हैं। तो ये पत्थरों की हो सकता है कि ऐसी कोई तीखी धार हो, फ्लैकिंग दे रखा, फ्लैकिंग तीखी धार, उससे ये क्या करते थे, किसी भी चीज़ को काटने के लिए काम में लेते थे। दिस वर प्रोबेबली यूज फॉर चॉपिंग ट्रीज, दे रखा है अब इसमें प्रोबेबली, सामान्यतः ये इसका उपयोग किस में करते थे, चॉपिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ों को काटना, एंड ब्रेकिंग बोन्स ऑफ एनिमल्स, और उसके अलावा बोन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो हड्डियाँ होती थी उनको काटने के लिए इसका यूज करते थे। एंड वर मैनली ओवल और पियर शेप्ड, इनका शेप्ड कैसा होता है, ओवल, आपने मैथ्स में एक शेप बनाया होगा ओवल, और पियर जो होता है नाशपति के जैसा शेप होता है, आप लोगों नाशपति देखिए फ्रूट जो होता है उसके समान इनका शेप होता था। कोर टूल्स फ्रॉम लोअर पैलोलिथिक एज हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सोन इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, एंड रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश, क्या दे रखा है, देखो लोअर पैलोलिथिक एज के जो पत्थर अपने को मिले हैं, जो स्टोन टूल्स हमको मिले हैं, वो कहाँ से मिले, बैंक्स ऑफ रिवर सोन इन पंजाब, पंजाब में सोन नदी, ठीक है, वहाँ से मिले हैं, जो अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, एंड रिवर नर्मदा, और कहाँ पर मिले, नर्मदा नदी पर, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लो, लोअर पैलोलिथिक एज हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सोन इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, इन रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी, इससे इनका क्या रिलेशन है, अब पहले जो स्टोन टूल्स चलते थे ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जगह जगह पर बिखेर के गए हो तो हम लोग को हर कहीं मिल जाए, तो पर्टिकुलर कह सकते हैं प्लेस कि जहाँ से जो भी आर्कोलॉजिस्ट हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था जो खुदाई का काम करते हैं उन लोगों को हो सकता है कि इसके प्रमाण मिले हों, तो इसके प्रमाण कहाँ मिले थे, सोन रिवर पंजाब में और नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अंदर इसके प्रमाण मिले हैं कि पहले ऐसे स्टोन टूल्स चलते थे। अब नेक्स्ट आता है मिडिल पैलोलिथिक एज, द मिडिल पैलोलिथिक एज इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द पैलोलिथिक एज विच विटनेस्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड इवन इन इंट्रोडक्शन इन रॉक एंड केव पेंटिंग्स। अब इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, रॉक एंड केव पेंटिंग्स, रॉक यानी चट्टाने और केव का मतलब गुफाएं, गुफाओं के ऊपर, और वो अब वो लोग क्या करते थे,
पत्थर से, आप लोगों ने देखा होगा पत्थर से हम किसी के ऊपर कुछ लिखते हैं, अगर उसकी धार क्या होती है, तीखी होती है, एकदम आगे से नुकीला होता है, तो हम उससे कुछ भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि उन लोगों के माइंड में भी ये स्किल्स आई हो, तो वो लोग उस समय कैसे कैसे काम करते थे, कैसे रहते थे, यानी कि कैसे वहाँ पर एनिमल्स थे, हम नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे। तो ऐसे शेप वो कहाँ पर बनाते थे, गुफाओं के ऊपर और चट्टानों के ऊपर, जिनको देख कर हमको ये पता चलता है कि पहले यानी कि हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे एनिमल्स होते थे या फिर ऐसी गुफाएँ होती थी, लोग इस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो ये चीज़ें हमको कहाँ से पता चलती है, उनके द्वारा की हुई पेंटिंग से हमको पता चलती है। अब देखो इसमें कौन से स्टोन टूल्स आते थे, बाय दिस एज द अर्ली ह्यूमंस हैड लर्न टू बेनिफिट बाय ऑफ यूजिंग फ्लेक एस टूल्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब इन लोगों को यहाँ पर तो वो यूज़ करते थे, किस लिए यूज़ करते थे, ट्रीज को काटने के लिए और एनिमल्स की बॉन्स को काटने के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों के माइंड में आ गया, उन लोगों ने सीख लिया कि हमको इन टूल्स का यूज़ करने से क्या बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट तो बहुत हो गया, आसान काम हो गया उनका। कोर टूल्स वर बिग एंड डिफ़िकल्ट टू यूज़। अब आया कोर टूल्स तो इतने बड़े थे जिनको यूज़ करना बहुत मुश्किल होता था। वाइल फ्लेक्स वर लाइटर एंड मच शार्पर देन कोर टूल्स। अब उन्होंने जो टूल्स बनाए वो क्या बनाए, लाइटर, लाइटर का मतलब हल्के एंड मच शार्पर, उनसे भी ज़्यादा तीखे। अब आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ऊपर कितने बड़े बड़े पेबल्स हैं और यहाँ पर इनकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। द अर्ली ह्यूमंस गेव इट शार्पर एज। अब इनके जो एज होते थे वो क्या होते, शार्पर होते थे। हेफ्टेड द शेप्ड फ्लेक्स ऑन पीसेस ऑफ वुड और बोन हैंडल्स एंड यूज देम मैनली फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग एनिमल्स। अब ये इसका यूज कैसे करते थे, क्या दे रखा, हेफ्टेड द शेप्ड फ्लेक्स ऑन पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े करने के लिए, बोन्स हैंडल्स एंड यूज देम मैनली फॉर चॉपिंग मीट, मीट को काटने के लिए और एनिमल्स की स्किन को काटने के लिए किसका यूज करते थे। अब जो इन्होंने नए पत्थर बनाए थे कोर टूल्स से अच्छे, उसका यूज करते थे। फ्लेक टूल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। यहाँ पर भी आप अंडरलाइन करना, अब ये जो टूल्स मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं, ये भी वहीं से मिले हैं, रिवर सोन इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान एंड रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश, दोनों का सेम है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लेक टूल्स और कोर टूल्स दोनों कहाँ से मिले, तो रिवर सोन और रिवर नर्मदा, जो भी एक तो पाकिस्तान में है, पहले पंजाब में थी, और सेकेंड नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। लास्ट इसके सॉरी द अर्लीस्ट ह्यूमन, ये आपको डू यू नाउ दे रखा है, इसके अंदर कुछ नहीं, पहले कितने बोन्स मिले थे, क्या मिले थे, कितने ईयर्स की महिला है, ये आप इसको ऐसे रीड कर लेना। अपर पेलोलिथिक एज, लास्ट एज बचता है, फर्स्ट हो गया अर्ली पेलोलिथिक एज, सेकंड मिडिल पेलोलिथिक एज, थर्ड आता है अपर पेलोलिथिक एज। अपर पेलोलिथिक एज इज द लास्ट पार्ट ऑफ पेलोलिथिक एज, क्या दे रखा है, ये इसका लास्ट पार्ट है। विच ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ आइस एज, इसका एंड अपन कहाँ समझते हैं, जब से आइस एज का एंड हो गया तब से नया स्टार्ट हो गया था अपर पेलोलिथिक एज। अब इसमें कौन से स्टोन्स यूज किए थे उन्होंने, By this time the early humans had started using blade tools. Blade, आपने देखिए blade कितनी तीखी होती है, अब आप शेप से पता लगा सकते हो, पहले इतने बड़े pebbles थे, फिर उससे छोटे आ गए, अब जो आए आपको पिक्चर में क्लियर दिख रहा होगा, इनका शेप भी चेंज हो गया और ये हल्के भी हो गए। Using blade tools were also made by flax, but they had two sharp edges and a top crested disc. क्या दे रखा है, Using blade tools were also made by flax. तीखे बनते थे but they had two sharp edge. इसके दो किनारे क्या होते थे, sharp होते थे and top crested disc. और ऊपर का जो शेप होता था वो कटोरे के समान होता था, यानी कि सिंपल सा आप देख सकते हो कोई भी औजार जिसे उन्होंने ऊपर का जो शेप बनाया वो उसको क्या बनाया था, कटोरे के समान ऐसे गोल बनाया था। ये इसमें आप ये वाली पिक्चर्स देख सकते हो, ये वाली पिक्चर्स इसमें क्लियरली दिख रही है आपको, इसमें भी दिख रहा है। These two were hefted on pieces of wood or bone handles, modern tools. अब जो नए टूल्स आए थे, आधुनिक टूल्स, वो क्या थे, Such as the knife, इसके जैसे थे, चाकू के जैसे। And the saw, which we cannot do without, have their origin here, as do tools and ornaments made of variety of materials such as bone, ivory, wood and antler. क्या दे रखा है, अब उन लोगों ने धीरे धीरे टूल्स बना लिए थे, उसके साथ ही विच वी कैन नॉट डू विथआउट, अब उनका जीवन इन औजारों के बिना नहीं चलता था। जब हमको किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि हमको उनके साथ रहने की आदत पड़ गई, तो हम उनके जैसे ही काम करते हैं। तो अब इन लोगों को चाकू के बिना और जो भी दे रखा है एक्सेस, इनके बिना इनका कोई भी काम नहीं होता था।
अब इन्होंने क्या किया, साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स गहने बनाने भी सीख गए थे। गहने का मतलब अभी जो चल रहे ऐसे नहीं, लेकिन पहले जो डिजाइन चलती थी तो इन्होंने कुछ नए आविष्कार किए। वो किससे बनाते थे, बोन जो हड्डियाँ होती है उससे, आइवरी हाथी के जो दांत होते उससे, लकड़ी से और एंटलर, इन चीज़ों से वो क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स गहने बनाने सीख गए थे। ब्लेड टूल्स फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड इन भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेटू। यहाँ से आप अंडरलाइन करोगे, तीन तरह के टूल आ गए हैं अपने, कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स और ब्लेड टूल्स। ब्लेड टूल्स आपको कहाँ पर मिलते हैं, भोपाल जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और छोटा नागपुर का प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, छोटा नागपुर के पठार, यहाँ से आपको इसके प्रमाण मिलते हैं। तो हमारे जो पैलियोलिथिक एज का जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, मेसोलिथिक एज, उसको हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बारे में जानेंगे उसमें कौन कौन से नए डेवलपमेंट हुए हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने संतुलित आहार के बारे में पढ़ा था, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व आवश्यकता के अनुसार हो, न अत्यधिक ज़्यादा हो न ही अत्यधिक कम हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। फिर हमने देखा कि भोजन के पकाने के तरीके भी बताए थे हमने। हम यह भी देखते हैं कि क्या हम एक ही तरीके का भोजन करते रहेंगे तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हर समय वसा युक्त खाना ही भोजन सर्वोत्तम भोजन है, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, देता है ना। वसा में भी ऊर्जा होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी ऊर्जा होती है। अगर हम एक ही प्रकार के भोजन, जैसे हम वसा युक्त भोजन ही करेंगे, जैसे हम तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया करेंगे, तो इसके अलावा कुछ नहीं खाया तो क्या होगा। इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है ना। भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण भी बनती है। हम देखते हैं ना, फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा है, तो वसायुक्त भोजन करने से मोटापा हो सकता है। इसीलिए हमें एक ही प्रकार का भोजन या तली हुई चीज़ें, वसायुक्त भोजन, तली हुई चीज़ें, रबड़ी, पोहा, पूड़ी आदि हम का सेवन हमें कम ही करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से इस मोटापा होने का कारण हो सकता है। अभावजन्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो सकती है। हम भोजन तो कर रहे हैं लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई पोषक तत्व की कमी हो सकती। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। अगर यह कमी रहती है तो क्या होगा, उसमें रोग हो सकता है कुछ न कुछ। एक या अधिक पोषक तत्व हमारे शरीर में रोग व विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, यानी कि पोषक तत्व की कमी के कारण यह रोग होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेशी। यह सभी रोग प्रोटीन की कमी से होता है। व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो सकता है। यानी कि प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि की कमी से हमारे शरीर में कुछ न कुछ रोग हो सकते हैं। जिसको अब हमने देखो, पहले विटामिन के अंदर पढ़ा था हमने, एक सारणी जो आपके सामने वापस है, मैं उसको वापस दोहराना चाहूँगा। प्रोटीन, खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले रोग कौन कौन से होते, पिछले हमने पढ़े थे लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, क्षीणता और दृष्टिहीनता। लक्षण क्या होंगे, शरीर का कमजोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है।
विटामिन बी वन के कमी से बेरी बेरी रोग, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी होना। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बनने में अधिक समय लगना। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय इसका लक्षण है। आयोडीन घेंगा रोग, गोइटर कहते हैं जिसको, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोह की कमी से अरक्तता कमजोरी आ जाती है। तो आप लोग घर पर एक बार फिर इसको पढ़ लेना, जो मेन पॉइंट है उनको याद कर लेना, और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। अच्छा, इसको पढ़ना अब उसको। गुड मॉर्निंग क्लास, कल अपन ने बात की थी प्रश्न वाली 1.2 का सवाल नंबर 7 का था, ठीक है। आज अपन उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। गलती से क्या लिखा उसने, 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, तो उसका सही उत्तर गलत उत्तर से कितना अधिक है? उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, यानी उसका जो गलत उत्तर निकला वो सही उत्तर से कितना अधिक है, ध्यान से लिखना। तो संख्या क्या है यहाँ पे, 7236 से उसने क्या किया, गुणा कर दिया, किससे कर दिया, 56 से कर दिया पहले, ठीक है। और उसको किससे करना था गुणा, 7236 से 36 को उसको 56 से गुणा करना था, किससे गुणा करना था, 56 से। तो देखना पहले सही संख्या कौन सी थी, 65, और उसने क्या कर दिया, 56, ठीक है। आगे देखते, 5 का गुणा में 6 से करूंगा क्या होगा, 30, हासिल 3, 5 का गुणा में 3 से करूंगा 15, 15 और 3 18, हासिल 1, 5 का गुणा 2 से करूंगा 5 दूनी 10, 10 और 1 11, हासिल 1, 5 का गुणा में 7 से करूंगा 35 और 35 और 1 36, ठीक है। ये आप नॉर्मली गुणा है, सिंपल गुणा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। 6 का गुणा में 6 से करूंगा 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 का गुणा में 3 से करूंगा 6 की 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1। आगे देखना, 742 42 और 1 43, ठीक है। 0 8 में से 6 गए तो 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 3 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 और ये 4, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सवाल ये कह रहा था कि उसने क्या किया, 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, यानी उसका सही आंसर तो अपना 65 था, और उसने क्या किया, 56 से गुणा करना था, उसने क्या कर दिया, 65 से गुणा कर दिया, ठीक है। ये अपना 65 वाला गुणा हो गया। एक बार आप देख लेना कि गलत नहीं हो, 5 6 30 का 0 हासिल 3, 15 और 3 18 हासिल 1, 5 10 और 11 हासिल 1, 7 35 और 1 36, ठीक है। नॉर्मल है, आपकी राइट है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो, इसका गुणा मैं इससे कर रहा हूं, 6 का गुणा मैं 6 से करूंगा, 6 किया 6 से 36 का 6 हासिल 3, 6 का गुणा में 3 से करूंगा 18 और 3 19 20 21, 21 का 1 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 का गुणा में 7 से करूंगा 7 4 42, 42 और 1 43। आगे लिखना इसी के लिए, 5 का गुणा में 6 से करूंगा 5 4 21 का 0 हासिल 3, 5 के 15 और 3 18 हासिल 1, 5 का गुणा 2 से करूंगा 5 2 10 और 1 11 हासिल 1, 5 का गुणा 7 से करूंगा 35 और 1 36, ठीक है। आगे देखो, 6 1 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 और 1 4, यानी सवाल ये कह रहा था कि एक विद्यार्थी 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा करने पर उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है,
उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, तो सही उत्तर तो ये रहा और गलत उत्तर ये रहा, तो सही उत्तर से कितना अधिक है, तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो अधिक वाला पता पड़ जाएगा। देखो तो कितना अधिक है, 47 0 3 40 -40 52 16 इसके अंदर घटा अधिक कितना वो पता पड़ जाएगा। अब वापस बाकी में मिस्टेक मत करना, आराम से करना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, साइड में जाकर के आप आराम से बाकी कर सकते हो। 40 52 16 ठीक है, आराम से यहाँ जाकर के साइड में बाकी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ से लूंगा 10 10 में से 6 तो 4 यहाँ 3 बचे 3 में एक गया तो 2, फिर यहाँ कितने बचे 3 3 में से 2 गए तो 1। अब यहाँ 0 से 5 के लिए निकल गए, यहाँ से हंसी 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितने बचे 6 6 में से 0 गया तो 6 का 6 और 4 में से 4 गए तो 0, यानी 65124 उसका ज्यादा आंसर आया है, मतलब सही उत्तर से 65000 गलत उत्तर 65124 आंसर ज्यादा है। ठीक है, ये दो ही सवाल नंबर आपका आठवां। इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं, एक दो सवाल आपको घर पे बैठे बैठे हल करने, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ करवा रहा हूँ शब्द आप घर पे बैठे बैठे नहीं करो, आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ी बहुत और जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपको बेसिक ज्ञान है, और मैंने आपको जब की प्रश्नावली स्टार्ट करवाई थी तब थोड़ा बहुत लिखवाया था, परंतु थोड़ा बहुत और रह गया था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, वो आपको पता है, मैंने बताया था स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ होता है, उसकी जीरो से लगा के छोटी छोटी जो लाइनें होती है 1 सेंटीमीटर तक जो 10 लाइनें होती है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो सीधी गणित है, इसमें दो चार बिंदु है, उसको आपको क्या करना है, रटना है। ध्यान से देखो, पहला बिंदु क्या है कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए हमेशा 10 का गुणा किया जाता है। किसका गुणा किया जाता है, 10 का। देखो लिखना आपको सेमी को मिलीमीटर में बदलने के लिए दस का गुणा किया जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हमेशा सेमी को बड़े को छोटे बदलना है, तो हमेशा ध्यान रखना बड़े को छोटे बदलना है, इसका मतलब गुणा, सेमी को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 का गुणा, इसके जस्ट उल्टा। अगर मिलीमीटर क्या है, मिलीमीटर क्या है, मिलीमीटर को सेमी में बदलना है, यानी सेंटीमीटर में बदलना है, तो मिली को सेमी में बदलने के लिए साथ साथ में आपको लिखने भी जाना है और समझने भी जाना है। ठीक है, मिलीमीटर को सेमी में बदलने के लिए 10 का भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, 10 का भाग दिया जाता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, 10 का गुणा किया जाता है, इससे 10 का भाग किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे सेमी से मिलीमीटर आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, देखो देखो आगे, तीसरा मीटर सेंटीमीटर में बदलना है, तो हमेशा ध्यान रखना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 का गुणा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान से देखना, मीटर को सेमी में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, चौथा इसका जस्ट उल्टा, सेमी को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो सेमी को मीटर में बदलने के लिए जस्ट उनका हो जाएगा 100 का भाग दिया जाएगा, इसके अंदर क्या किया जाता है, 100 का भाग दिया जाएगा।
छोटा भाग या ठीक है सिंपल है। सेरी को मिली में बदलने के लिए 10 का गुना, मिली को सेरी में बदलने के लिए 10 का भाग, मीटर को सेमी में बदलने के लिए 100 का भाग, सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा क्या किया जाता है, और यहाँ पे सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग किया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन चारों को पढ़ना और वो क्या क्वेश्चन भी अपने को हल करने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपन कल देखेंगे। भोजन को तलाशना, इकट्ठा करना
अंदर चले जाते।